मैं एक शेर आपको सुना देता हूं कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। दुनिया के बेहतरीन धावक मिल्खा सिंह नहीं रहे, संपूर्ण देश के अंदर आज उन्हें याद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज का वह दिन है जिस दिन मिल्खा सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। द थिंक की तरफ से उन्हें विनम्र अभिवादन। धावक मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, देश के मान सम्मान के लिए अपने आप को निछावर कर देता है, उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी जाति या धर्म के नाम से बांध कर नहीं रखा जा सकता। और यही कारण है कि आज मिल्खा सिंह इन्हें संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया से उन्हें नमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताऊंगी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया और 77 दौड़े जीती। आपको ये बता दें कि ये पहले वो भारतीय है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला। आपको बता दें कि 1956 में मेलबर्न में उन्होंने खेला, 1960 में रोम, यहाँ पर उन्होंने ओलंपिक में खेला और भारत का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो में 1964 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोम के ओलंपिक में 1960 में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उसे तोड़ने के लिए 40 साल का समय लगा। 1959 में उन्हें पद्मश्री इस सम्मान से नवाजा गया। वहीं 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था। वो उनकी ऐसी शख्सियत है कि उन्हें संपूर्ण देश के अंदर संपूर्ण खिलाड़ी और युवा वर्ग उन्हें याद करेगा। ऐसी महान शख्सियत को द थिंक की तरफ से विनम्र अभिवादन। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।